हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया, फुल यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 का। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है सैमसंग गैलेक्सी F62 के फ्रंट कैमरे से, जो कि है 32 मेगापिक्सल का। और मैं चल रहा हूँ, अभी देख लीजिए स्टेबलाइजेशन तो ठीक ठाक लग रही है मुझे इसकी। और वैसे आज थोड़ा क्लाउडी मौसम है और इसकी डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक है। अभी सूरज तो निकल नहीं रहा है, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसकी डायनेमिक रेंज, मैंने पहले भी टेस्ट किया हुआ है इसको। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो यार, फ्रंट कैमरे को तो आपने देख लिया, और अब ये देखिए आपका इसका जो मेन लेंस है 64 मेगापिक्सल का, ये वीडियो उसी से रिकॉर्ड हो रही है। मैं अभी अच्छे से चल रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो कैसी अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। और क्लाउडी मौसम में भी इतना अच्छा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का लेंस है इसका, जो काफ़ी अच्छा है। देखिए ये वाला लेंस काफ़ी अच्छा क्लियर दिखा रहा है। डायनेमिक रेंज इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल जो प्रॉपर ये शूट कर पा रहा है पूरा। ये देखिए गाइस, जो आप वीडियो देख रहे हो, ये इसके अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट हो रही है, जो है 12 मेगापिक्सल का। इसमें भी काफ़ी अच्छी आपको क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। और ये अभी देखिए, मैं चल रहा हूँ अच्छे से, और मुझे क्लैरिटी में कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। जैसा 64 में था वैसा ही इसी में भी वैसा ही नज़र आ रहा है। स्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है वीडियो, सुपर स्टडी मोड ऑफ है इसका, तब भी इतना अच्छा इस आ रहा है। देख लीजिए आप, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है हमें। इसकी भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है यार। मैंने इसी वाली कंडीशन में इससे जो फ्रंट कैमरा है, इससे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अभी आपको शो हो जाएंगे। आप बताना मुझे देख के इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आपको। मुझे तो इसका फ्रंट कैमरे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और स्टेबलाइजेशन भी बहुत कमाल का है इसका। तो अगली पिक्चर्स देख रहे हो आप, ये इसके बैक कैमरे से लिए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छे शॉट्स आ रहे हैं, जबकि अभी धूप नहीं निकली हुई, क्लाउडी मौसम है थोड़ा, तब भी मुझे इसका कैमरा कहीं पर कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका कैमरा। तो यार, जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, इससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और ये ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने भी इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया है। आप बताइए इसकी क्लैरिटी कैसी लग रही है। यूज़ नहीं किया मतलब मैंने इसे ब्लॉगिंग के लिए ही मंगवाया है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे कमेंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा लग रहा है, और डायनेमिक रेंज और लाइटिंग और जो कलर्स है वो आपको नेचुरल से देखने को मिलेंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। आपको कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। गाइस, एक और बात, इसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 12 मेगापिक्सल का, अब बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं इसी प्राइस रेंज में जो हमें 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल प्रोवाइड करते हैं, उनकी अच्छी क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। और जो इसका लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, और जो फ़ोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड फ़ोटो ले लेता है, और वीडियो भी काफ़ी अच्छी ले लेता है, और स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और स्किन टोन आप देख सकते हो, थोड़ा नेचुरली रखता है, मतलब वीवो ओप्पो की तरह तो नहीं है कि वो एकदम ही आपको गोरा चिकना बना देता है, ऐसा नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये रियल है जो भी है। जब मैं आपको इसकी स्लो मोशन वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो कि इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, सब में आ जाता है जैसे आजकल मिड रेंज फ़ोन्स में भी, लेकिन इसमें जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए आपको कैसी लग रही है इसके स्लो मोशन की जो ये वीडियो है वो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड हो रही है। इसमें एक ऑप्शन आता है जिससे आप पोर्ट्रेट मोड में ही वीडियो रिकॉर्ड से कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं अपने हाथ को ही दिखा रहा हूँ। वैसे ब्लर काफ़ी अच्छा कर लेता है ये पोर्ट्रेट मोड में, देखिए काफ़ी अच्छा जो है क्लैरिटी हमें देखने को मिल जाती है। और आप पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है इसमें, जो कि हमें मिड रेंज फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलता है, तो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिल जाता है, और ये काफ़ी पसंद आया है मुझे भी गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आपको कैमरा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे तो इसका कैमरा काफ़ी लगा, स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। बताएं आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी करना हो कर दें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।